हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑन टेक्नो मॉडिफायर। दोस्तों, मेरा नाम है जाज और आज की इस वीडियो में बात करें क्या होता है लॉस्ट डॉट डी आई आर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आपके फ़ोन में एक फोल्डर बना होता है लॉस्ट डॉट डी आई आर, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉस्ट डॉट डायरेक्ट्री। दोस्तों, ये फोल्डर हमेशा आपके फ़ोन में रहता है, आप चाहे इसको जितना भी डिलीट करते हैं, आप जब भी अपने फ़ोन को रिस्टार्ट या फिर रिबूट करेंगे या फिर जब भी आप उसे स्विच ऑफ स्विच ऑन करेंगे तो वो वापस बन जाता है। दोस्तों, ये होता क्या है, जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक मिलेगा आपको, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ फाइल होती है, कभी इधर आपको फाइल्स भी दिख सकती हैं। तो ये होता क्या है, असल में दोस्तों, जब भी आप किसी भी तरीके से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर आप सेरेड या फिर जेंडर जैसे एप्लीकेशन की मदद से किसी भी फाइल को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने एच डी कार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अपने फ़ोन में ही किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं, मूव करते हैं, तब अगर आपका फ़ोन वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, बीच में अगर वो कट जाता है, जैसे कि आप अगर सेरेट में कोई फाइल सेंड कर रहे हैं तभी वो बीच में कट जाए तो क्या होगा, आप जब दोबारा सेंड करते हैं सेरेट में तो उस फाइल को वो वापस वहीं से शुरू होती है। तो ये कैसे होता है, तो लॉस्ट डॉट डायरेक्ट्री जो फाइल है दोस्तों, ये फाइल यही काम करती है, जो भी फाइल पहले हमारे फ़ोन में आ रही थी एंड्रॉयड फ़ोन में अपने एच डी कार्ड में, ये उसकी कॉपी बनाती जाती है। अगर हमारा फ़ोन उसमें स्विच ऑफ हो जाता है या फिर हमारा कनेक्शन कट जाता है, अगर हमारा सेरेट में कनेक्शन कट गया या फिर हमारा फ़ोन बैटरी डेड हो गई, तो क्या वो फाइल तो ख़राब हो जाएगी, हमें उसे फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन जो लॉस्ट डॉट डायरेक्ट्री फाइल होती है, ये उन फाइल्स को कॉपी करती जाती है अपने सिस्टम में, हमारे फ़ोन में वो कॉपी रहते हैं, ताकि जब भी हम उन फाइल्स को दोबारा डाउनलोड करें या फिर उन्हें दोबारा किसी फ़ोन से या फिर किसी सिस्टम से अपने सिस्टम में डालें, तब वो उन्हें वहीं से शुरुआत कर दे, वो उन्हें वहीं से कॉपी करने शुरू कर दे, ताकि हमारा टाइम बचे और हमारा फाइल भी ख़राब ना हो। तो दोस्तों, लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी फाइल का यही काम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में, आप चाहें इसे डिलीट कर दें या फिर ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी आप इसे रिबूट करेंगे अपने फ़ोन को तब ये दोबारा बन जाएगी और आपके फ़ोन हमेशा रहेगा। ये दोस्तों एंड्रॉयड का फीचर ही है, खुद का फीचर है, ताकि आपकी कोई भी फोल्डर में जो फाइल्स हैं वो ख़राब ना हो। ये आप जैसे कई बार होता है कि आप रिकवरी एप्लीकेशन की मदद से भी अपने फ़ोन में फाइल्स को निकालते हैं, दोबारा ढूंढते हैं, जैसे आप किसी फ़ोटो को एप्लीकेशन या जिप फाइल किसी भी तरह फॉर्मेट में हो, आप उन्हें दोबारा रिकवर करते हैं, तो वो भी इसी माध्यम से होता है दोस्तों, लॉस्ट ऑफ डायरेक्टरी फाइल से ही, क्योंकि ये जो फाइल्स होते हैं इनकी कॉपी वहाँ पर पड़ी होती है, आप इन्हें उसकी मदद से वहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप उसे ओपन करेंगे तब आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ऐसे एप्लीकेशन का यूज करते हैं तब आपको वो फाइल्स मिल जाती हैं, या फिर आप अगर सेरेट जैसे एप्लीकेशन में किसी फाइल को लेते रहते हैं, अगर वो बीच में कट जाए या फिर आधे कट जाए, तो अब आप जब भी उसे रिस्टार्ट करेंगे वहाँ से, तो उन फाइल्स को वहीं से डाउनलोड करना शुरू करेगा, वहीं से कॉपी करना शुरू करेगा जहाँ पर वो लास्ट टाइम कटा हुआ था, क्योंकि लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी फाइल वहाँ पे उस फाइल को कॉपी करके रखा हुआ, ताकि आप जब भी उसे दोबारा करें तब वो वहीं से प्रोसेस शुरू हो। तो दोस्तों, ये था लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी फाइल का काम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।